हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये मैं प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने गर्ल्स के लिए बनाया है। ये 5-6 साल की गर्ल्स के लिए है। ये देखो, ये इसमें ये कॉलर बनाया है और ये फेदर वाली ऊन से बना हुआ है। ये पूरा स्वेटर प्लेन ऊन से बुना हुआ है और उसके इसके ऊपर ये क्रोशिया से कॉलर बनाया है, और ये बाजू का जो बॉर्डर है ये भी क्रोशिया से बनाया है, और ये भी, और ये नीचे वाला भी क्रोशिया से बनाया है। कई बार आपका स्वेटर छोटा हो जाता है, उसमें भी आप इसको लेस को बढ़ा के बड़ा कर सकते हो। ये लेस बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हमारा स्वेटर होता है, ऐसे किनारी जब आ जाएगी स्वेटर की, उसको ऐसे पकड़ते हैं सिंगल। ये तो मुझे आपको डबल पकड़ के बताना पड़ रहा है ऐसे। और ये देखो, ऐसे क्रोशिया डाला, इसमें क्रोशिया बहुत ईजली चला जाता है ऐसे। और ऐसे 1, 2, 3 चेन बनाई सबसे पहले, और उसी वाले में जहाँ हमने पहले क्रोशिया डाला था उसी में हमें ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3 ऐसे, और फिर हमें 1, 2 चेन बनानी है। इसमें फिर हमें 3 डबल क्रोशिया डालना है ऐसे, 1, 2, 3 ऐसे। देखो, एक ही जगह हमने ये 6 बार डाला है। इसके बाद हमें ये देखो, ये एक चेन बनानी है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे जहाँ पे हमें लगता है हमारा सही बैठेगा वहाँ पर ऐसे ऐसे ये डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1, फिर ऐसे ये थोड़ा सा छोड़ के ऐसे, फिर हमें ऐसे 6 बनाने हैं, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 ऐसे, 1, 2, 3, ये देखो ऐसे। और फिर इसके ऊपर हमने सेम पूरा डिजाइन एक से ही चलाया है। ये जैसे दो दो लाइनें व्हाइट से की, 2 ग्रीन 2 व्हाइट, और फिर ये जब ये यहाँ हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हमने 2 लाइनें ब्लू से की है, और जब हम लास्ट में आए हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। ये लास्ट तक हमने बिल्कुल डिजाइन ऐसे ही बनाया है, फली के ऊपर फली बना रखी है सेम। जैसे नीचे से शुरू किया है ऐसे ऊपर तक हमारा डिजाइन ऐसे ही चला है। ये देखो, इसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, कितना भी छोटा, इतना भी बना सकते हो इतना भी। और ये कॉलर बनाने का तरीका अभी मैं आपको बताती हूँ। इस स्वेटर में हमने 17 फंदे डाले हैं, और जितनी लंबाई आपको लगती है बहुत है उतनी लंबाई बनाने के बाद यहाँ पे 3, 2, 1 घटाया है, और यहाँ पे बाजू में हमने 40 फंदे डाले हैं, और एक 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 करके यहाँ पे बढ़ाया है, और यहाँ तक बढ़ाते बढ़ाते इसमें 70 फंदे कर लिए हैं। फिर बाजू में हमने सबसे पहले 3, 2, 1 घटाया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और फिर यहाँ पे हमने 20 फंदे रखे हैं। और फिर हमारा पीछे के पीस में कहीं नहीं घटाया, सिर्फ मुड्ढा घटाया है। आगे के पीस में हमने ये बीच में आधे फंदे करके, 5 जितने भी हमारे, मान लीजिए 40 70 फंदे का स्वेटर है, 35 और 35 70 फंदे बैठे, तो हमने 30 फंदे इधर से बुने, 30 इधर से, और 10 फंदों की ये पट्टी बना रखी है उल्टी उल्टी सिलाई की। पहले हमने ये नीचे से वाली पट्टी बनाई, फिर यहाँ से इसके नीचे से फंदे उठाकर फिर ये नीचे बनाई, तो ये पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई है। इस पे ये 2 बटन लगे हैं ऐसे, और यहाँ जाली से ये काज बनाया है, ये ऐसे बटन बंद हो जाता है ऐसे, देखो और ये जैसे हमने नीचे का बनाया ऐसे ही सेम ये ऊपर का कॉलर। ये देखो, ये ऐसे एक के ऊपर एक थोड़ा इसको ज़्यादा लिया है, चढ़ रहा है, और ऐसे जब हम इसको फैलाते हैं तो ये कॉलर बन जाता है, ये देखो ऐसे। अब मैं आपको इसमें ये बाजार का लगा हुआ है, मैं आपको एक फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ जो कि आप घर में ही बनाकर इस पे लगा सकते हैं। देखो,
सबसे पहले मैं चार चेन बना रही हूँ, एक दो तीन चार, इसको ऐसे किया और एक दो चेन बनाई, और इसमें हम ऐसे बनाते हैं, एक दो ऐसे, और फिर इनको सबको एक साथ निकाला, फिर ऐसे यहाँ पर एक दो, इनको सबको एक साथ ये देखो, एक इसके हमने दो सिरे निकाले, अब दो हमारे क्रोशे में हो गए, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ये तीनों को एक साथ निकाला, फिर ऐसे, तो ऐसी पट्टी बन जाती है, ऐसे फिर ऐसे, और फिर सबको एक साथ ऐसे ऐसे ऐसे, जितनी भी इसमें इजली पत्तियां आ जाती हैं उतनी पत्ती बना लीजिए ऐसे करके, ये इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ना है, ऐसे में ऐसे इसमें आप पत्ती भी बना सकते हो, हमने ऐसे लिया ऐसे, और ये हमने ऐसे ऐसे ये लिया ऐसे निकाला, और फिर हमने इसके अंदर ऐसे बिना धागा लिए वाली फली डाली, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ऐसे, और फिर इसको ऐसे खींच दो, ये वाला सिरा ऐसे, तो ऐसे ऐसे आप इसमें पत्ती बना सकते हो, फिर हम इसमें इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे ये ऐसे, ये देखो ये पत्ती का आकार आ गया, अब मैं इसमें दूसरे रंग से करती हूँ, देखो अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगा रही हूँ ऐसे, अब आपको इसमें ऐसे फलिये भरनी है, हर एक चेन में अभी आपको एक एक फली बनानी है, ये यहाँ पे बीच में आके आपको एक दो में एक में दो और एक में दो कर लेना, यहाँ पर मैंने एक में दो और एक में दो करा है, जब आपको लगता है अब हम बीच में आ गए हैं, अब बाकी सब में एक ऐसे, ये देखो ये आप अपने स्वेटर पे इस तरह की पत्तियों से भी फूल बना के लगा सकते हो, और जो मैंने अभी फूल बनाया है ये ऐसे इसमें ऐसे पत्ती भी लगा सकते हो ऐसे, इसको आप कैसा भी लुक दे सकते हो, ये देखो
और इन सब धागों को काट के अंदर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।